हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। ये अपनी बीएस सेकेंड ईयर की क्लास है और इसमें आपको मैं हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में समझा रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम हमें पाठ्यक्रम के बारे में जानना है। चूँकि आपने फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं दी है, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि पेपर किस प्रकार होते होंगे या किस प्रकार से सिलेबस होता होगा, पाठ्यक्रम का विभाजन किस प्रकार से होगा। हालांकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और अब उसी तरह से हमको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम को समझना है और उसके बाद में ही अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर की तरह ही हमारे हिंदी में सेकेंड ईयर में भी दो पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर भी 100 नंबर का है और सेकेंड पेपर भी 100 नंबर का है। क्योंकि आपके सामने मेरे पहले ही लिख रखा है कि फर्स्ट पेपर जिसका नाम है ऋतिकालीन काल, फर्स्ट पेपर उसका पूरे का नाम है ऋतिकालीन काल, यानी इसमें ऋतिकाल से संबंधित सारी जानकारी है, सारा विवरण ऋतिकाल का है। तो दूसरा पेपर होता है प्रयोजन परक हिंदी। तो पहले हम फर्स्ट पेपर को समझते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न जो प्रश्न कर रहे हैं, इसका नाम है ऋतिकालीन काल। इस पेपर में ऋतिकालीन काल के नाम से उद्धव शतक नाम से दो किताब शब्द हैं और तीसरी है बल्कि हिंदी साहित्य की साहित्य का ऋतिकालीन इतिहास। ये अपन पहली पुस्तक ऋतिकालीन काल, जिसमें पांच कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। पहली किताब है अपनी ऋतिकालीन काल, जिसमें पांच कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। इनमें पहले दो कवि कवि केशव दास है और दूसरा कवि रुना बिहारी है। केशव दास और बिहारी, ये दोनों पहली इकाई में संकलित किए गए। ये दोनों 20 नंबर है, ये अपन के दोनों 20 नंबर है। और तीसरे चौथे और पांचवें भी तीन कवि हैं, घनानंद, भूषण और सूर्यमल मिश्र। ये कवि आपके 20 नंबर हैं। कुल मिलाकर 20 और 20 40 नंबर में ये पांच कवि हैं जिन्हें को आपको पढ़ना है। और ये किताब ऋतिकालीन किताब है, ये 40 नंबर की किताब है। पहले दो कवियों से जो प्रश्न आएंगे वो 20 नंबर के आएंगे और लास्ट के तीन कवि है इनमें से जो प्रश्न आएंगे वो आपके 20 नंबर के आएंगे। कुल मिलाकर ये किताब में 40 नंबर की किताब रहेगी। दूसरी किताब है कवि उद्धव शतक, जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर के द्वारा लिखी ये उद्धव शतक किताब है जो आपकी 20 नंबर की है। इसमें कुल 117 के संपूर्ण पद है, जिसमें कृष्ण के द्वारा उद्धव को संदेश वाहक बनाकर गोपियों के पास भिजवाने का सारा निर्माण किया गया है। तो कुल मिलाकर 117 के संपूर्ण पद है जिन पर वो पढ़ रहे हैं। ये आपकी 20 नंबर की किताब है, ये आपकी तीसरी इकाई है। ये आपकी कभी पहली इकाई में ऋतिकालीन किताब के नाम से किताब आती है वो आपकी 40 नंबर की है। दूसरी आपकी किताब है उत्तर शतक, ये आपकी 20 नंबर की किताब है। तीसरे नंबर पर आता है आपका जो चौथी इकाई है, पहली उस इकाई ऋतिकालीन काल हो गई, दूसरी इकाई इस इकाई में तीसरे नंबर पर उत्तर शतक हो गया और चौथे नंबर पर जो इकाई चार है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है और वो भी कौन सा है, ऋतिकालीन काल। क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल के दो भाग हैं, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और
आदि काल को और भक्ति काल को हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, नीति काल को हम सेकेंड ईयर पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य नीति काल ये आपका 20 अंक का है, ये आपका 20 अंक का है जो आपके चौथी नंबर पर चौथी इकाई के और उसके बाद आपकी है पांचवी इकाई। इसमें है काव्य नीति, काव्य नीति में है रस का शुरू का वर्णन करवाया, रस की व्यंजना व्यंजना कैसे होती है, उसके प्रवर्तकों को उसके धारणा क्या है, ऐसे गुणों के सिद्धांत है, उनकी व्याख्या कितनी गुणों की है, ये रस के शुरू के वर्णन करता है। और प्रमुख आचार्यों के मत जैसे अलग अलग आचार्यों में काव्य की आत्मा के रूप में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जैसे ध्वनि मत वालों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, रस धर्म के आचार्य भक्तों ने रस को काव्य की आत्मा माना है, वक्रोक्ति को उत्तर वक्रोक्ति को उत्तर जी ने उसी काव्य की आत्मा माना है। ऐसे अलग अलग आचार्यों ने जो काव्य की आत्मा के रूप में सिद्धांत पेश किए हैं उन सभी का वर्णन अपनी बात के लिए हालांकि सिलेबस ज्यादा छोटा भी नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन अगर से सही में एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम पढ़े तो ये सिलेबस हमारा बहुत जल्दी हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा सेकंड पेपर, सेकंड पेपर की क्या बात है, नियोजन परख के लिए, यानी आज के आधुनिक समय में जो व्यावहारिक रूप से भी प्रचलित है, पत्र लेखन है, समाचार लेखन है, संपादकीय लेखन है और संपादक के माध्यम से संपादक को पत्र है, संपादक का पत्र है और कार्यालय पत्र है, सारा विवरण इस प्रयोजन पर हिंदी में पढ़ना है। इसमें पहली का प्रयोजन पर हिंदी के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार का वर्णन किया है, ये पहली का ही पढ़ना है। दूसरी का है संपादन कला, यानी संपादक की क्या बोलते हैं, संपादक के लिए क्या आवश्यकता होती है, कौन कौन से सावधानी संपादक को रखनी चाहिए, संपादन कला में कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, सारा विवरण अपनी सेकंड इकाई में पढ़ना है। इस इकाई के संचार के माध्यम जैसे हमारे प्रिंट में प्रिंट माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचारी कौन कौन से माध्यम हैं, संचार माध्यम के लेखन में कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए, उन सभी का विवरण तीसरी इकाई में पढ़ना होगा। इकाई नंबर चार है जिसमें टेलीविजन फिल्म इंटरनेट इनका वर्णन किया गया है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इनकी आवश्यकता हमें किस प्रकार से पड़ती है, इनसे हम किस प्रकार से अपने आप को लाभान्वित किया करते हैं, इन सभी का वर्णन हमें चौथी इकाई में पढ़ना होगा। और पांचवी इकाई है अनुवाद कि अनुवाद अन्य भाषाओं का हिंदी में या हिंदी की जो कठिन शब्दावली है उसको सरल भाषा में किस प्रकार से व्यक्त करना है, ये अनुवाद का महत्व क्या हो रहा है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, किस किस प्रकार से अनुवाद किया जा सकता है, जैसे भावात्मक अनुवाद है, अर्थानुवाद है, उन पर जो प्रकार है उन सभी चीजों को पढ़ना। इस प्रकार हमारी पहला पेपर 100 नंबर का और दूसरा पेपर 100 नंबर का, ये इकाई की क्रिया की 20 नंबर की, ये पांचों में पांचों का 20 नंबर की है। इस प्रकार हमारा भी 100 नंबर का। अब क्योंकि आप लोगों ने पेपर बचने का नहीं किया है इसलिए एक बार मैं पेपर का करेक्टर आपको समझा देता हूं। हमारे दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में अपनी जो पहला खंड है, पहला खंड नंबर वो क्वेश्चन नंबर 1 के आगे आए, पहला खंड क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपकी पहला जो क्वेश्चन के लेकर 10 क्वेश्चन आए, या आपके एक नंबर के 10 क्वेश्चन आए, पहला खंड जिसमें एक नंबर के 10 क्वेश्चन आए जिनमें आपके 10 अंक सम्मिलित होंगे। उसके बाद आता है खंड 2, पेपर में खंड के पहले नाम नहीं होता, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 11 तक कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक कर देंगे, इकाई के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इकाई नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5
इकाई नंबर तीन उसमें क्वेश्चन नंबर तीन है और सात इकाई नंबर चार उसमें क्वेश्चन नंबर तीन आठ और दो है इकाई नंबर पांच उसमें क्वेश्चन नंबर तीन दस और ग्यारह खंड जो अपना वह होता है उसमें पहली इकाई इकाई नंबर एक होगी उसमें क्वेश्चन दो और तीन आएंगे जिनमें से कोई अंक एक करना होता है वो क्वेश्चन आपका दस अंक का होता है दस अंक इसी प्रकार से इकाई नंबर दो में भी आपके क्वेश्चन नंबर चार और पांच आएंगे उनमें से कोई एक करना होगा और उनके अंदर दस अंक आएगा इसी प्रकार से इकाई नंबर तीन में भी छह और सात नंबर के दो क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार से इकाई नंबर चार में भी आठ और नौ में भी एक क्वेश्चन करना होगा सात नंबर का होगा और इकाई नंबर पांच में दसवां और ग्यारह क्वेश्चन होगा जिसमें भी आपको एक क्वेश्चन होगा जो सात नंबर का होगा इस प्रकार का खंडन सेंटेंस पचास नंबर का होगा पचास अंक इसके बाद अब आता है इकाई का खंड खंड एक जब है खंड दो जब है किसी भी कह सकता है तीन दिन दे सकता है और छह दिन दे सकता है इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे बारह तेरह चौदह और पंद्रह होगा इनमें से कोई भी दो क्वेश्चन कर में हो गया कोई भी दो तो बीस बीस अंकियां हो गई इस प्रकार ये चालीस अंक के दो क्वेश्चन होंगे इस प्रकार हम सहने ग्यारह बारह तेरह चौदह चार क्वेश्चन दिए गए होंगे जिनमें से कोई भी दो क्वेश्चन ध्यान रखना कोई भी दो क्वेश्चन करने होंगे तो 20 अंक होंगे यानी 40 अंक होंगे इस प्रकार आपका 40 50 और 10 कुल मिला के 100 100 अंक का पेपर होगा और यही प्रक्रिया आपकी सेकेंड पेपर में भी होगी और यही हिंदी में ही नहीं राजनीति विज्ञान हो इतिहास हो हर पेपर सब में ही यही प्रक्रिया आजमाई जाएगी ठीक है क्योंकि यही प्रक्रिया अपने बच्चन में होनी थी तो पेपर नहीं हो पाए हो सकता है आपने एक दो पेपर बच्चन में देख दिए हो या नहीं दिए हो लेकिन पेपर का पैटर्न हमारा क्लियर किया पहली इकाई के पहला खंड के जो 10 क्वेश्चन है उसने प्रत्येक इकाई से अपनी 5 इकाइयां हैं प्रत्येक इकाई से दो दो क्वेश्चन ही रहेंगे एक इकाई से दोस्तों पहला दूसरा दूसरी से तीसरा चौथा तीसरी से पांचवा छठा चौथी से सातवा आठवा और पांचवी से नवा और दसवा यानी हर इकाई से एक नंबर के दो क्वेश्चन लिए जाएंगे पहले खंड में इसी प्रकार से सेकेंड खंड में भी हर इकाई से दो दो क्वेश्चन लिए जाएंगे जिनमें आपको एक करना होगा और जो लास्ट का एक खंड है तीसरा उसमें पूरी पांचों इकाइयों में से कोई भी चार क्वेश्चन लिए जा सकते हैं और जिनमें से आपको दो करने के लिए आपका पेपर का पैटर्न रहेगा ठीक है तो अब आपको उसी प्रकार से पढ़ना है अब अगले वीडियो में अपन जो हिंदीकालीन जो काम है उस किताब का हम प्रारंभ करेंगे या दूसरे इतिहास बच करके हैं या कमेंट में आप हमें दे सकते हैं धन्यवाद।